अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन सूप बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज़ में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1.5 लीटर तक पानी दे दिया। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने ऐड कर देनी है चिकन, ठीक है। बोनलेस चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने चिकन ऐड कर दी और इसको बॉयल, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी देर तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 से 15 मिनट इसको पका लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से चिकन हमारी गल चुकी है। अब आप लोगों ने चिकन के पीसेस को निकाल लेना है, ठीक है। चिकन के पीसेस को आप लोगों ने निकाल लेना है और इसके रेशे आप लोगों ने तैयार कर देने हैं ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। मैंने चिकन को इसमें से निकाल लिया। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसमें गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ठीक है। आप लोगों ने ये 3 वेजिटेबल इसमें ऐड कर देनी है। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये 3 वेजिटेबल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये रेसिपी चाहते हैं, इतने इन्जॉय करना चाहते हैं इस सूप को, तो इन तमाम स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करते जाना है। चिकन के हम लोग रेशे तैयार कर देंगे, ठीक है, जब तक वेजिटेबल भी 10 मिनट पक जाएँ। तो माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन के रेशे तैयार जो हम लोगों ने किए थे वो आप लोगों ने डाल देने हैं, ठीक है। तमाम चिकन के रेशों को मैंने इसमें डाल दिया। इसके अलावा इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे, आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस, तकरीबन 2 चम्मच आप लोगों ने चिली सॉस ऐड कर देना है। 2 चम्मच आप लोगों ने इसमें सोया सॉस ऐड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा वाइट विनेगर ऐड कर दें, ये भी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2-2 चम्मच मैंने तमाम सॉसेस ऐड किए हैं और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ली। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको पकाऊँगी। आधा घंटा हो चुका है माशाल्लाह इसको पकते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा, ठीक है। अंडा आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि किसी को सूप में अंडा पसंद होता है और किसी को नहीं होता। तो आप लोग अपने हिसाब से अंडा डालें या इससे ज़्यादा डालें या ना डालें, वो आप लोगों की डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो इस स्टेप में बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 अदद अंडा मैंने इसमें यूज़ किया है और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और तकरीबन आप लोगों ने जब अंडा डालना है तो मज़ीद इसको 10 मिनट पकाना है, ताकि अंडे की एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है पकने से। तो 10 मिनट मैं इसको कवर करके पकाऊंगी, उसके बाद लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया और आप लोग इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसको मैंने पानी में घोल दिया था, और इसमें डाल देंगे। और अब आप लोगों ने इसमें लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, तो इस सूप को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। लकड़ी का चम्मच ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि वरना आप लोगों का सूप गाढ़ा नहीं होगा। अगर आप लोग आखिरी चम्मच तक सूप को गाढ़ा चाहते हैं तो लकड़ी का चम्मच यूज़ करें, ठीक है। तो माशाल्लाह से अब मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से सूप हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। अगर आप लोग आखिरी चम्मच तक गाढ़ा चाहते हैं तो लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप लोग इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से मैं आप लोगों को चम्मच की मदद से भी दिखा देती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है सूप हमारा, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खुशबूदार ये तैयार हुआ है। तकरीबन 1.5 लीटर पानी था और अब आप लोग देख रहे होंगे कितना इसमें पानी रह गया। मुझे इसको पकाते हुए 1 घंटा लगा है,
ठीक है, तो आप लोगों को भी 1 घंटा लगेगा। और अगर आप लोग सूप बहुत ही अमेजिंग चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। फाइनल लुक आ चुकी है, सूप हमारा तैयार हो चुका है, ऊपर से आप लोगों ने चिली सॉस डालकर इसको एंजॉय करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर सूप की रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।